نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all to the day 2 of تعليم منتخب حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज का हमारा عنوان है غیب की बातों पर ईमान। तो चलिए जो बाब हमने शुरू किया था कल कलमे तैयबा का उसी की ये सब लेसन है जिसमें हम गैब की बातों पर ईमान के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैब की बातों पर ईमान इसका मतलब क्या होता है। अल्लाह ताला पर और तमाम गैबी अवामिर पर ईमान लाना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खबर को मुशाहिदे के बगैर मतलब कि बिना देखे बिना एक्सपीरियंस के मींस वी वर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवील्ड ऑल दिस थिंग्स। मुशाहिदे के बगैर महज इनके एतिमाद पर यकीनी तौर पर मान लेने और इनकी खबर के मुकाबले में फानी लज्जतों इंसानी मुशाहिदात और मादी तजुर्बों को छोड़ देना इसको हम कहेंगे गैब की बातों पर ईमान। अल्लाह ताला उसकी सिफात आलिया उसके रसूल और तकदीर पर ईमान। तो ये सभी चीज़ें जो है गैब की बातों पर ईमान लाने पर आती हैं। चलिए हम आयत कुरानी पढ़ते हैं और देखेंगे कि आयत कुरानी में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। ये सूरह बकरा की आयत है। قال الله تعالى सूरह बकरा की आयत नंबर 188 है। ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس उलाइक अल्लज़ीन सदक़ू उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। जब यहूद व नसारा ने कहा कि हमारा और मुसलमानों का क़िबला एक ही है तो हम अज़ाब के मुस्तहक़ कैसे हो सकते हैं, तो इस ख्याल की तरद्दुद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कोई यही नेकी व कमाल नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक़ की तरफ या मगरब की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात पर यकीन रखे और इसी तरह आखिरत के दिन पर फरिश्तों पर तमाम आसमानी किताबों पर और नबियों पर यकीन रखे और माल की मोहब्बत और अपने हाजात के बावजूद रिश्तेदारों यतीमों मिस्कीनों मुसाफिरों सवाल करने वालों और ग़ुलामों को आज़ाद करने में दिल दे दे में माल दे दे और नमाज की पाबंदी करे और ज़कात भी अदा करे और इन उख़दतों और आमाल के साथ इन अकीदों और आमाल के साथ उनके ये अखलाक भी हो कि जब वो किसी जायज़ काम का अहद कर लें तो इस अहद को पूरा करें और तंगदस्ती में बीमारी में और लड़ाई के सख्त वक्त में मुस्तकिल मिजाज रहने वाले हों। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं और यही वो लोग हैं जिनको मुत्तकी कहा जाता है। जब यहूद और नसारा ने कहा कि हमारा और मुसलमानों का क़िबला एक ही है तो हम अज़ाब के मुस्तहक कैसे हो सकते हैं, तो इस ख्याल की तरद्दुद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कोई यही नेकी नहीं या वह कमाल नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात पर यकीन रखे और इसी तरह आखिरत के दिन पर फरिश्तों पर तमाम आसमानी किताबों और नबियों पर यकीन रखे और माल की मोहब्बत और अपने हाजात के बावजूद रिश्तेदारों यतीमों मिस्कीनों मुसाफिरों सवाल करने वालों और ग़ुलामों को आज़ाद करने में माल दे और नमाज की पाबंदी करे और ज़कात भी अदा करे और अकीदों और आमाल के साथ उनके ये अखलाक भी हों कि जब वो किसी जायज़ काम का अहद कर लेते हैं
वो इस अहद को पूरा करें और तंगदस्ती में, बीमारी में और लड़ाई के सख्त वक्त में मुस्तकिल मिजाज रहने वाले हो। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, और यही वो लोग हैं जिनके जिनको मुत्तकी कहा जाता है। सूरह फतर की आयत नंबर 3 है, قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمتي التي عليكم هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض لا إله إلا هو فعنا تؤفكون। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अल्लाह ताला के इन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक हो सकता है जो तुमको आसमानों ज़मीन से ज़्यादा पहचानता हो। इसके सिवा कोई यकीनी और हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो। قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يؤفكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم। سورہ انعام کے آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وقال تعالی افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بنا سکتے ہو؟ یہ تو ہم بنایا کرتے ہیں۔ قال تعالی افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو اگاتا کون ہے، میں اگاتا ہوں یا تم اس کے اگانے والے ہو؟ یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 36 اور 37 تھی۔ قال تعالی افرأيتم الماء الذي تشربوا وانتم تظلمون من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناها اجاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 87 سے 89 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے بارش کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیتے، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آنکھ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعے سے یہ آنکھ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ احادیث نبوی شروع کریں گے۔ عن النبع عباس رضی اللہ عن جبریل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی ما الایمان قال ایمان ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکته وکتبه والنبوۃ وتؤمنون بالموت والحیاۃ بعد الموت وتؤمنون الجنۃ والنار وحساب المیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ قال فإذا فعلتم ذلك فقد آمنتم قال إذا فعلت ذلك فقد آمنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ہلو ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔
आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि मुझे ये बताएं कि ईमान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसील ये है कि तुम अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत दोजख हिसाब और आमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आए तो तुम ईमान वाले बन जाओगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहि सलाम ने अर्ज किया, मुझे बताएं ईमान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसील ये है कि तुम अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर फरिश्तों पर अल्लाह ताला की किताबों पर और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत दोजख हिसाब और आमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आओगे तो तुम ईमान वाले बन जाओगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, उसके फरिश्तों को और आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने को और उसके रसूलों को हक जानो और हक मानो और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और उठाए जाने को हक जानो और हक मानो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, इसके फरिश्तों को और आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने को और इसके रसूलों को हक जानो और हक मानो और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को हक मानो और हक जानो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हालत में आ जाए कि वो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो इससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के आठों दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हालत में आए कि वो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो इससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के आठ दरवाजों में से जिस चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो बुराई और हक को झुठलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाले ख्याल तो ये होते हैं कि वो नेकी और हक की तस्दीक पर उभराता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक की तस्दीक का ख्याल पाए, इसको समझना चाहिए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और इस पर इसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख्याल पाए तो इसको चाहिए कि शैतान मर्दूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यह है, शैतान तुम्हें शैतान तुम्हें फख्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है।
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल तो ये होता है कि वो नेकी और हक की तस्दीक पर उभारता होता है, जो बुराई और हक को झुठलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो नेकी और हक की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक की तस्दीक का ख्याल पाए, उसको समझ जाना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, से हिदायत है, और इस पर इसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख्यालात पाए, तो इसको चाहिए कि शैतान मर्दूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, शैतान तुम्हें फख्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अजमत दिल में बिठाओ, तुम्हें वो बख्शवा देगी। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अजमत दिल में बिठाओ, तुम्हें वो बख्शवा देगी। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.